देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज, वक्त है 1 मिनट 10 खबरों का। पाबंदियों के बीच देश भर में आज मनाई जा रही ईद। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी सभी को मुबारकबाद। वाराणसी में एक पुलिसकर्मी समेत कोरोना के 18 नए मरीज, जिनमें से अधिकांश समय लखनऊ में कोरोना संदिग्ध को 2 घंटे तक एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतारा, मरीज की तड़प पर हुई मौत। सुबह में सबसे गर्म रहा प्रयागराज, पारा 46.30 डिग्री सेंटीग्रेड, आसमान से बरसती रही आग। कानपुर में 6 घंटे तक धू-धू कर जली 3 मंजिला इमारत, दमकल कर्मियों ने बचाई 12 जिंदगियां, 2 करोड़ का माल जलकर हुआ खाक। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए बसों से लेकर खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर रहे सोनू सूद, हो रही जमकर तारीफ। खिलाड़ियों और कोच का कोरोना बीमा करने वाला पहला खेल संगठन बना बॉक्सिंग फेडरेशन। कोरोना संक्रमण के बीच पटरी पर लौटने को तैयार खेल जगत। भारत चीन के बीच बढ़ता जा रहा तनाव, पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों ने बढ़ाई अपनी सेना। अमेरिकी अखबार ने कोरोना की गंभीरता को समझाने के लिए पहले पेज पर छापे कोरोना से मरने वालों के नाम। ब्राजील में 16,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 55 लाख के पार। ये थे आज की कुछ खास खबरें, फिर लौटेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत।